श्री संजीव सान्याल जी, डॉक्टर शरण और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कोइंसिडेंट है या कुछ सोच समझ कर करा है। इस पुस्तक का विमोचन इस सभागार के अंदर रखा है, सोच समझ कर रखा है या कोइंसिडेंट है। मित्रों, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं महान देशभक्त हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश को सही रास्ते पर चढ़ाने के लिए देश की कई सारी देश बनने की प्रक्रिया को कुछ बोले बगैर भटके हुए रास्ते से सही रास्ते चढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं इनको श्रद्धांजलि देकर इनके चरणों में नमन करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ये अदर स्टोरी शब्द लिखना पड़ा, यही ये पुस्तक का सार है। क्योंकि एक ही स्टोरी नैरेटिव के अंदर हमारे जनमानस पर हैमर कर 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 इसको प्रस्तापित किया गया है। एक ही दृष्टिकोण जनमानस में शिक्षा के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, इतिहास के लेखन के माध्यम से थोपा गया है। जो दृष्टिकोण थोपा गया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अहिंसक आंदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है या वो इतिहास का हिस्सा नहीं, वो बहुत मजबूत हिस्सा है और बहुत बड़ा योगदान है अहिंसक आंदोलन का। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो मूवमेंट चली, वो मूवमेंट का बहुत बड़ा ही योगदान है देश की आजादी में। परंतु और किसी का नहीं है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि सन्याल जी का ये पुस्तक वो नैरेटिव में बहुत बड़ी दरार डालने का, एक अन्य स्वतंत्र विचार को लोगों के सामने रखने का काम करेगा। ये बहुत उपयोगी है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि देश के आजादी का एनालिसिस अगर करते हैं तो ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे विचारों ने, ढेर सारे संगठनों ने और ढेर सारे मार्गों ने भी एक ही गंतव्य स्थान के पर जाने के लिए, एक ही लक्ष्य पर जाने के लिए प्रयास किया था। और वो सब का सामूहिक फल है हमारे देश को आजादी मिलना। इतिहास को बारीकी से पढ़ना और इतिहास का जो संदेश है वो आने वाली पीढ़ियों में सटीक तरीके से देना, ये हर पीढ़ी का दायित्व होता है। और मुझे लगता है कि संजीव सन्याल ने अपने दायित्व का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो, एक रचना हो, इसके लिए एक पीठिका तैयार करने का काम संजीव सन्याल ने किया है। मैं संजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव है, उसका वर्ष है, 75 साल हो गए हमारी आजादी को। मोदी जी ने इस 15 अगस्त को पंच प्राण की बात की है, उसमें से विरासत पर गर्व और गुलामी की निशानियों से मुक्ति, ये दो महत्वपूर्ण पंच प्राण है, पंच प्राणों का हिस्सा है। जिस देश की नई पीढ़ी को और इवन वर्तमान पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता है,
वो कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते। और गुलामी के काल में प्रस्तापित हुई परंपराएं, मान्यताएं और सोच को जो लेकर चलते हैं वो शायद राजनीतिक रूप से तो गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते। ये जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निशानी से मुक्ति, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र में काम करने का जरूरत मैं देखता हूं तो हमारे इतिहास को, इतिहास के लेखन और इतिहास के अर्थगठन दोनों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। ये प्रयास सबसे पहले एक भी शब्द बोले बगैर वीर सावरकर ने किया था। पूरी दुनिया, पूरा देश और अच्छे अच्छे देशभक्त सन 57 की क्रांति को गदर के नाम से जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने पहला स्वातंत्र संग्राम, पहला स्वातंत्र समर 1857 की क्रांति का, वहीं से नैरेटिव को बदलने की शुरुआत की। और आज संजीव सान्याल जी इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद भी है और एक प्रकार से संतोष भी है कि जो काम बहुत समय पहले शुरू होना चाहिए था इतने समय के बाद भी अगर शुरू हुआ है तो ये स्वागत योग्य है। इतिहास कई सारी मान्यताओं को जन्म देता है, परंतु इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्रयासों के भी कई डायमेंशन होते हैं कि कोई विचार, कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो सकता है वो अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच पाया हो, सफल न हुआ हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब कभी भी वो उद्देश्य प्राप्त होगा तब इसका कोई योगदान नहीं है। इतिहास को अगर हार या जीत के दूसरी से ही लिखते हैं तो इतिहास को ठीक से नहीं लिखते। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण करके लिखना चाहिए, तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही है। कई इतिहासकार ये प्रयास को विलुप्त करने में लगे, कई लोगों ने उसको कम महत्व दिया, कई लोगों को लगा कि भाई इनका क्या योगदान था आजादी के प्राप्त होने में, उन लोगों को मालूम नहीं है कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर बच्चे के मन में आग धधकती थी, हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका दमन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया था। अगर आप भगत सिंह शहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ इसके आधार पर ही इतिहास लिखते हैं तो ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। मैं सिर्फ भगत सिंह जी के लिए नहीं कह रहा हूं, समग्र सशस्त्र क्रांति के योगदान को इसका मूल्यांकन करना है तो वो आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता। मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति ने जगाई हुई देशभक्ति के ज्वाला के आधार पर ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हुआ। मैं मानता हूं और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूं, आज नहीं करना चाहता परंतु मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि अगर सशस्त्र क्रांति की समांतर धारा न चली होती तो शायद कई दशक और लग जाते। समग्र देश के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ वंदे मातरम लिखकर चेतना को जागरूक किया था, क्या इसका कोई योगदान नहीं? समग्र देश के अंदर
गदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अनेक जगह पे एक जबरदस्त चेतना की जागृति की, निर्माण भी किया था चेतना, सुसुप्त चेतना को जागृत भी किया और चेतना का निर्माण भी किया। क्या इसका कोई योगदान नहीं है? इतिहास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं मिला है। क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, इससे ज्यादा इसकी मीमांसा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वरना अकारण ही ये राजनीतिक विषय बनेगा। परंतु आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया, और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के ये प्रयास से होने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं इस बात को पहले समाप्त कर देता हूं, बाद में पुस्तक पर आता हूं। कई सारे लोग जब इतिहास के बारे में बातचीत होती है तब कहते हैं कि इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, कभी वामपंथियों का नाम आता है, कभी अंग्रेजी मानसिकता वाले इतिहासकारों का नाम आता है, कहीं कांग्रेस को भी कोई लपेटे में लेता है। परंतु मैं अलग दृष्टिकोण से, अब हमें कौन रोकता है? मैं आज इस मंच से इतिहास के विद्यार्थियों का और इतिहास को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश के गौरव को व्याख्यायित करें इस प्रकार से, कोई तोड़ मरोड़ करे बगैर वास्तव दर्दी गौरवमयी इतिहास की रचना अब हो सकती है या नहीं हो सकती? मेहनत किया कर, रिसर्च कर हम क्या ऐसे 300 व्यक्तित्व ढूंढ सकते हैं जिन्होंने भारत को महान बनाया? एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं, कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं है। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया, वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। क्या हमारे इतिहास के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च कर लिख सकते हैं क्या? सन 57 के पहले और सन 57 के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजों को स्वीकारा नहीं है। एक एक इंच जमीन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा। ये क्या संघर्ष नहीं है आजादी बरकरार रखने का, आजादी को बचाकर रखने का? इसको क्या इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए? ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के लिए कुछ न प्राप्त होने की स्थिति में भी ये लड़ाई लड़ी और मैं मानता हूं कि सन 57 की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संस्कार शिवाजी महाराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांति ने किया, और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमिका वहीं से शुरू हुई, इसकी नींव वहीं से डली गई। चाहे सशस्त्र क्रांति का इतिहास देखो या कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो, इसकी नींव ढूंढने जाएंगे तो 1857 की क्रांति के अंदर से ही निकलेगा। ये सब चीजों को समाहित करने की जिम्मेदारी, सच्चे ऐतिहासिक तथ्यों को देश की नई पीढ़ी के सामने रखने की जिम्मेदारी
सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती। मैं मानता हूं इतिहासकारों ने भी इसमें आगे आना चाहिए। सान्याल का भारत और भारतीयता का लिए जो जुनून है वो देखकर मैं कई बार सोचता हूं, एक बार मुझे मिलकर निकले नॉर्थ ब्लॉक में, मुझे विचार आया ये व्यक्ति कभी निराश तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो जुनून है वो अगर लंबे समय तक इच्छित परिणाम नहीं मिलता है तो निराशा में भी कन्वर्ट होता है। सान्याल भाई चिंता न करो, इस वक्त मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। भारत का समय बदल, इस जुनून के साथ अर्थशास्त्री होने के बावजूद जो काम किया है वो साच अर्थ में अभिनंदन के अधिकारी है। इनकी पुस्तक को मैंने बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है, मगर ऐसा कह सकता हूं कि कोई आप में से कोई पढ़ लेगा तो जितना बात करेगा उसे ज्यादा बात में करने की स्थिति में हूं, इतना तो पढ़ लिया है। इसके आठों चैप्टरों के बीच में एक वाक्यता है, आप आठों चैप्टरों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, और आठों चैप्टरों को पढ़ते वक्त बारीकी से पढ़ना, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एक सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने तो बंद कर दिया है अभी सार्वजनिक रूप से लिखना, वरना मैं इस पुस्तक की विवेचना करता तो बहुत अच्छी करता है, इसका मुझे विश्वास है। ये आठों चैप्टरों के अंदर सिर्फ क्रांतिकारियों का वर्णन नहीं है, क्रांतिकारियों के आदर्श, क्रांति की सोच की व्याख्या, उनकी मानवीय भावनाएं और उन्होंने अनुभव की हुई त्रासदी, इस सभी को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मोतियों की तरह एक माला में पिरोने का काम किया है। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि आज तक सशस्त्र क्रांति के इतिहास को छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास बताया जाता था, ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप सबके मन में स्पष्टता हो जाएगी, ये छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से एक सोच के आधार पर किया गया सामूहिक प्रयास था, परंतु संख्या कम थी इसलिए छुटपुट दिखाई पड़ा। क्योंकि सशस्त्र क्रांति करने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा डर जाएगा, अंतर तो गतवा एक घटना के अंदर ही होगा, और जब घटना का पर्दाफाश होता था तो बाकी सारे लोगों का अदृश्य हो जाता है, रणनीति का हिस्सा था। परंतु बहुत बखूबी थी इन्होंने इसको, मूर्तियों को जैसे माला में परोते हैं इसी तरह से समग्र क्रांति के विचार को एक धागे में मोतियों की तरफ पिरोने का काम किया है। दूसरे अध्याय में श्री अरविंद और वीर सावरकर इसके संबंध में लिखा है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, एक ने सुस्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद को जरा भी गालमेल करे बगैर व्याख्यायित करने का काम किया, और दूसरे ने राष्ट्रवाद को अध्यात्म के साथ जोड़कर भारत ही विश्व गुरु बन सकता है इसका विचार की शुरुआत। ये दोनों के बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है, मगर इन्होंने एक दो ही चैप्टर के अंदर इन दो के बारे में जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी है, उसको मैं रूपक में अगर बोलना चाहूंगा तो गागर में सागर की तरह सारी चीजों को इन्होंने समाहित किया है। चैप्टर चार गदर आंदोलन के बारे में लिखा गया है, और गदर आंदोलन आइसोलेटेड नहीं था,
इसकी सारी शाखाओं को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके विस्तृत रूप से वर्णित करकर गदर आंदोलन उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति से निपजा हुआ एक सामूहिक प्रयास था। इसको सिद्ध करने का काम इन्होंने अध्याय चार के अंदर किया है। पांचवा अध्याय काला पानी पर लिखा है, जो भारत के आजादी के इतिहास का तीर्थ स्थान है, अंडमान की सेल्यूलर जेल और वहां की दी गई मानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार देख सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं और किनको सिखा रहे हो। जो कोई भी हमें भाषण देता आता है उसको एक बार सेल्यूलर जेल की मुलाकात करा दीजिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया, और अगर सेल्यूलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप लिखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश लिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्यूलर जेल के अंदर गया है। सेल्यूलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था, कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था। छठे अध्याय में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में लिखा है। अंतिम दो चैप्टर चटगांव शस्त्रागार के छापे और नेताजी की लड़ाई के बारे में लिखे हैं। मैं अभी भी कहता हूं पढ़ते वक्त आप ध्यान रखना, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ने का सूत्र इसके अंदर रखा हुआ है। रखना तो क्या है ही, परंतु इसका वर्णन किया गया है। और आठों चैप्टर को अगर आप एक ही चैप्टर मानकर पढ़ते हो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सशस्त्र क्रांति की अवधारणा क्या थी और सशस्त्र क्रांति करने वाले स्वभावगत हिंसा के पथ के अनुयायी नहीं थे। सशस्त्र क्रांति करने वालों के लिए हिंसा देश को आजादी दिलाने का जरिया थी, वो भी उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने वाले लोग। परंतु यह चित्रण जो कर दिया गया वो चित्रण से हमारे इतिहास को और वो वीर क्रांतिवीरों को बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मित्रों, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने में साहित्यकारों का भी बड़ा योगदान है, देश के किसानों का भी, अनेक किसान आंदोलनों के जरिए अंग्रेज हुकूमत को हिलाने का उन्होंने काम किया, जनजागृति की, इसका भी बड़ा योगदान है। देश के हर कोने में फैले हुए हमारे जनजातीय समाज आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने अपनी परंपरा को हम प्रदूषित नहीं होने देंगे, इसलिए अनेक जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए, लड़े, मरे,
सन 57 के पहले भी सबसे पहली लड़ाई अगर कोई लड़ा था तो आदिवासी ही लड़े थे। बहुत लेट कांग्रेस पार्टी ने एक अहिंसक आंदोलन भी शुरू किया जिसमें पूर्ण स्वराज बहुत देरी से आए, मैं बताता हूं उसके बारे में बाद में। और सशस्त्र क्रांतिकारियों ने भी दुनिया भर की अनेक घटनाओं से प्रेरणा लेकर एक भगीरथ प्रयास किया था। हो सकता है कई घटनाओं का आप एनालिसिस करोगे तो आंदोलन असंगठित दिखेगा, परंतु वो देशभक्ति से प्रेरित था और सभी का लक्ष्य एक ही था, देश को आजाद कराना, अंग्रेजों को देश से निकालना। और आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1923 में ही सचिंद्रनाथ सन्याल ने भारत को रिपब्लिक बनाने का लक्ष्य रखा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने हाथ में हथियार उठाए थे वो स्वभावगत हिंसक नहीं थे, परंतु अंग्रेज के हाथ में बंदूक थी, इसलिए इसके सामने लड़ना ये हिंसा आदेश को आजादी दिलाने का एक जरिया बनाया था। कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA ने न केवल पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा परंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी वकालत उसी वक्त कर दी। मैं उनकी दूरदृष्टि का परिचय हूं इसके लिए आपको ये बात बताता हूं, उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशनों में मताधिकार की चर्चा तो थी ही नहीं। आजादी कितनी मात्रा में अंग्रेजों से नेगोशिएशन कर प्राप्त की जाए इसकी चर्चा चलती थी, परंतु उस वक्त न केवल संपूर्ण आजादी, हर वयस्क को मतदान मताधिकार इसकी भी चर्चा की। और 20वीं सदी में ही शुरुआत में 1909 में वीर सावरकर ने कहा था अगर सशस्त्र क्रांति को सफल होना है तो इसका अखिल भारतीय स्वरूप तय करना पड़ेगा, और उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना इसी के लिए की थी। और देश आजाद होने के बाद अभिनव भारत को बंद करने वाले भी वीर सावरकर ही थे कि अब अभिनव भारत का उद्देश्य समाप्त हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको छुटपुट प्रयास कर हमने ये महान प्रयास का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, इसको किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति कहकर, व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति ही अपने आप में बहुत महान होती है, परंतु एक समूह एक विचारधारा के तहत देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहा था उसको हमें समझना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा और प्रचारित भी करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसको मन से स्वीकारना पड़ेगा कि मेरे देश को आजाद कराने के लिए ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया, कई बार घर की कुकड़ी हो गई, कई बार परिवारजनों को जेल में डाल दिया, कई सालों तक कोई अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भुगतता रहा, कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और इस प्रयास को हम व्यक्तिगत प्रयास नहीं कह सकते, इसको विफल प्रयास भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के आधार पर हर जगह पे देश में आजादी की चेतना जागृत होती गई, दृढ़ीभूत होती गई और परिणाम लक्षित दिशा में आगे बढ़ती गई। इन्होंने आजादी की चेतना को जागृत भी किया, उसको दृढ़ भी किया और चैनलाइज कर एक दिशा में ले जाने का काम भी इस सशस्त्र क्रांतिवीरों ने किया है, ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा।
उनका नेटवर्क जर्मनी, सिंगापुर, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में भी नेटवर्क फैलाकर इन लोगों ने काम किया था। अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो मोदी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां इतने सालों के बाद वहां से वापस लाने का काम किया, क्योंकि श्यामजी अपने विल में कहकर गए थे कि मेरी अस्थियों को एक बैंक के लॉकर में रखना, जब मेरा देश आजाद हो तभी मेरी अस्थियों को मेरे देश में लिया जाए, मैं गुलाम देश में मेरी अस्थियों को भी नहीं जाने दूंगा। क्या उस और इस प्रयास को कोई कैसे छुटपुट प्रयास कह सकता है? इस श्यामजी कृष्ण वर्मा तैतरीय उपनिषद का सबसे देश में उस वक्त उस जमाने में सबसे विद्वान व्यक्ति, संस्कृत के स्कॉलर थे, तैतरीय उपनिषद पर उन्होंने लिखे हुए टीकाओं को मैंने पढ़ा है, इनकी विवेचनाओं को पढ़ा है। इतना विद्वान व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, देश छोड़कर वहां क्रांति वीरों का प्रेरणा स्रोत बना, एक के बाद एक देश बदलते गए, सरदार सिंह राणा हो, मैडम कामा हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, सबने आजादी के स्वप्न को शेप देने का काम किया, इसको फैलाने का काम किया, और सावरकर जैसे लोगों ने जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम किया। ये प्रयास ना सोच के बगैर का था, ना असंगठित था, ना असफल था। ये प्रयास एक सोची समझी विचारधारा के आधार पर किया गया प्रयास था, ये प्रयास संगठित प्रयास था, और इस प्रयास ने सफलता जो मिली इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसको कोई नकार नहीं सकता मित्रों। और ये बात आज सन्याल के पुस्तक से नई पीढ़ी के हाथ में जाएगी। मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं, मैं एडवांस में ही कह देता हूं, मीडिया है, वाक्य मेरा नहीं है, तो मुझसे न चिपकाया जाए। आजादी के आंदोलन की दोनों धाराओं को कुछ लोगों ने उस जमाने में एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट ये व्याख्या कर दिया, और अरविंद घोष ने उनको नेशनलिस्ट बनाम लॉयलिस्ट कर दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री अरविंद घोष कह रहे थे। मैं नहीं मानता इस 130 करोड़ की आबादी में श्री अरविंद घोष की व्याख्या और उनके उद्देश्यों पर कोई भी सवाल उठा सकता है। मेरा बस इतना ही कहना है, मेरी कोशिश बड़ी नहीं, मगर हमने इतिहास को एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट की धारा से निकालकर वास्तवदर्शी बनाना पड़ेगा। अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते, परंतु इसका महिमा वर्णन करने के लिए हजारों हजारों लोगों की तपस्या, जीवन के बलिदान और कुटुंब के कुटुंब फना हो गए, इसको कैसे नकार सकते हैं? और उसको नकार कर देश का इतिहास नहीं बन सकता है।